हेलो फ्रेंड गीता टीचिंग टिप्स रे आपमनकु स्वागत। तो आज रो नोटिफिकेशन टी देखंतु पिला माने ओडिसा आदर्श पई बहुत बडो गुटे वैकेंसी रहिची जाकी ओडिसा आदर्श विद्यालय पई जाकी पोस्ट ऑफ वैकेंसी रहिची 1000 अधिक वैकेंसी रहिची याकु के माने अप्लाई करि परिबे कोन कोन वैकेंसी रहिची लास्ट डेट कोन रहिची ए सब डिटेल जानबा को चाहौचंती तो वीडियो टी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु तहले जान परिबे। ए बोलिया अपडेट मध्ये पाबा को चाहौचंती चैनल नुवा विजिट करचंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु पाखौ दिया बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु कोनोसी अपडेट पाइले आप माने संगे संगे डिटेल्स पाई परिबे। तो चालंतु फ्रेंड्स एंड बा ओएबी तरफरु आसी दिबा वैकेंसी कोन कोन पोस्ट होई छी लास्ट डेट कोन छी एरा सब किछि डिटेल्स हमें जानि नेबा। तो देखंतु फ्रेंड्स वैकेंसी टी रही छी ओडिसा आदर्श विद्यालय पई। तो वैकेंसी पोजीशन टी कौन रही चलतु फ्रेंड्स देखी ना। तो देखो वैकेंसी पोजीशन कौन रही वैकेंसी टी रही 1010 पोस्ट वैकेंसी रही कौन कौन पोस्ट रही देखंतु फ्रेंड्स। तो वैकेंसी टी रही देखंतु पोस्ट नेम रही प्रिंसिपल प्रिंसिपल पे रही देखंतु टोटल पोस्ट 100 रही पीजीटी इंग्लिश पे रही 51 पोस्ट पीजीटी फिजिक्स पे रही 62 पोस्ट पीजीटी केमिस्ट्री पे रही 61 पोस्ट पीजीटी बायोलॉजी पे रही देखंतु 41 पोस्ट पीजीटी मैथमेटिक्स 61 पीजीटी कॉमर्स 25 पीजीटी इकोनॉमिक्स 11 टीजीटी इंग्लिश 163 टीजीटी ओडिया 8 टीजीटी मैथमेटिक्स 108 टीजीटी साइंस 33 टीजीटी सोशल स्टडीज पे 81 आर्ट टीचर पे रही देखंतु 205 वैकेंसी रही। तो अप्लाई डेट देखंतु फ्रेंड्स स्टार्ट हो गला 7/3/2023 देखंतु 7 तारीख या स्टार्ट हो जाए। अप्लाई रो लास्ट डेट रही देखो फ्रेंड्स 6/4/2023। तो एप्रिल मस 6 तारीख पर्यंत आप लास्ट समय रही दिन आप लास्ट डेट रही। तो एप्लीकेशन फीस बाबद को कितने टाँग लगे फ्रेंड्स चलतु जाणी ना। तो एप्लीकेशन फीस पेमेंट लास्ट डेट रही देखो 8/4/2023। तो एप्रिल मस 8 तारीख पर्यंत रही अप्लाई मोड आप ऑनलाइन रे अप्लाई कर पारे। एप्लीकेशन फीस बाबद कौन कौन रही फ्रेंड्स चलतु जाणी ना। फॉर प्रिंसिपल जब अप्लाई करने को चाहते तो एससीबीसी कैंडिडेट जो होते 2000 टाँग देवाक पड़ो। जदि आप मैंने एससीएसटी कैंडिडेट कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते तो 1250 टाँग देवा पड़ो। यूआर एससीबीसी कैंडिडेट जदि होते तो आप 1500 टाँग देवा पड़ो। फॉर टीचिंग पोस्ट और अदर पोस्ट में वैकेंसी कौन रही कौन कौन फीस देवा पड़ी फ्रेंड्स देखते एससीएसटी देते तो आपको 1000 टाँग देवा पड़ो। पेमेंट टी आपको ऑनलाइन करने को पड़ो। तो एज लिमिट कौन रही फ्रेंड्स देखते एज लिमिट रही कैंडिडेट सुड मीट द एज लिमिट H11/2023 फॉर ओएबी रिक्वायरमेंट। तो नोटिफिकेशन जहाँ भी आपंकर एज लिमिट ता अनुसार आपंकर एज लिमिट रहिबो। तो एज लिमिट कौन रही फ्रेंड्स देखो प्रिंसिपल पोस्ट मैंने अप्लाई करते एज लिमिट मिनिमम रही 32 इयर्स मैक्सिमम रही 50 इयर्स। से पल्ली देखो आपंकर टीचिंग पोस्ट में कौन कौन रही एज लिमिट टीचिंग पोस्ट पे देखंतु आप 21 इयर्स टू 38 इयर्स जो हो तो आप अप्लाई करि परिबे। एक्स रिफ्लेक्सिबल मध्ये रही देखंतु क्वालिफिकेशन कौन रही फ्रेंड्स देखंतु क्वालिफिकेशन रही मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द 45 मार्क्स आप एग्रीगेट थी आप बीईडी एंड वर्क एक्सपीरियंस थी। टीजीटी इंग्लिश पे जो आप अप्लाई करते तो इंग्लिश होनर्स देखो इंग होनर्स पार्ट्स इलेक्टिव मेजर स्पेशल सब्जेक्ट एंड ग्रेजुएट लेवल होती बीईडी आप करेंगे। सेपरी टीजीटी ओडिया पे जब आप अप्लाई करते तो ओडिया ऑनर्स देखते करेंगे पास रखी इलेक्टिव मेजर स्पेशल सब्जेक्ट एंड ग्रेजुएट लेवल करेंगे और बीईडी आप करेंगे। टीजीटी सोशल स्टडीज पे जब आप अप्लाई करते मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट देखते बीए इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फोर सब्जेक्ट देखते आप टीजीटी सोशल स्टडीज पे जब आप अप्लाई करते तो बीए करेंगे और आपंकर सब्जेक्ट रही देखते 4 जाकि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स रही। से टीजीटी पे मैथ पे जब मैंने अप्लाई करते तो बैचलर डिग्री साइंस विथ एटलिस्ट 20 मार्क्स थी देखते सॉरी 200 मार्क्स इन मैथ एंड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग सब्जेक्ट जहाँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स बी एंड और सब्जेक्ट रही देखते बीटेक बीई डिग्री विथ 200 मार्क्स मैथ एंड टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स बीईडी। तो ये सब आप क्वालिफिकेशन थी दरकार जब आप टीटी मैथमेटिक्स में जब आप टीचर अप्लाई करुछंती।
ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଟି ଜି ଟି ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ବିଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ହେଭିଂ ଅନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଦ ଫଲୋଇଂ ବଟନି ଜୁଲୋଜି ଆଣ୍ଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଇଡ଼ି ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଥିବା କଥା ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟି ଜି ଟି ଓଡ଼ିଆ ଟି ଜି ଟି ଇଂଲିଶ ଟି ଜି ଟି ମ୍ୟାଥ୍ ଟି ଜି ଟି ସାଇନ୍ସ ଟି ଜି ଟି ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି ମଷ୍ଟ ହେଭ୍ ପାସ୍ ଓ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଟି ଇ ଟି ଏବଂ ଓ ଟି ଇ ଟି ପେପର୍ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବାଇ ବି ଏସ୍ ସି ସି ଟି ଇ ଟି ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଏସ୍ ସି ଟି ଇ ଟି କହିଥିବା କଥା ନହେଲେ ଓ ଟି ଇ ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପି ଜି ଟି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଟୁ ଇୟର୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏଟଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ ଥିବ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ପି ଏଚ୍ ଡି ଏବଂ ଏସ୍ ସି ବି ସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯଦି ହୋଇଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର 45% ମାର୍କ ଥିବ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଦ କନ୍ସର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ 50% ମାର୍କ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ 45% ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ଟି ଆପଣ କିପରି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ପରଫର୍ମ ହେବ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିବ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବେ www.oabedu.in ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜବ୍ଟିର ଡିଟେଲ୍ସ ଏହାର ଆପଣମାନେ ପି ଡି ଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯିବ ଏହି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ ତ ବହୁତ ସମୟ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରହିଛି ଡେରି ନକରି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍